और सफल विवाह का पैमाना क्या है। धर्म की शरण में संतानें आ जाएं, ऋषि मुनियों के चरणों में झुकना जाने, बड़ों का आदर करना जाने, अपने मन को मारने की कला उनमें हो। वो तो बड़ा आसान है कि कैंची की तरह जीव कतर कतर चले, सिर तो ढका हो पर बड़ों क्या सम्मान को ढकने की भावना हो, तो फिर कैसे बात बनेगी। बड़ों के चरणों में रहने का अर्थ होता है मन को मारना, और पुराने लोग जानते हैं मन कैसे मारा जाता है। अभी तो विवाह भी लोग करने से पहले पता करते हैं कि पुत्र के लड़के के माँ बाप तो नहीं है, ज्यादा रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, अकेला ही लड़का होना चाहिए, तो फिर क्या कर लोगे। हम दो और हमारे दो वाले क्या करते हैं, आजकल तो हम दो हमारे दो भी नहीं है, वो एक हो जाए ये भी भगवान की भारी कृपा है। उसके बाद क्या है, विषाद है, हताशा है, अवसाद है। आजकल के विवाह की आयु 7 वर्ष है, इससे ज्यादा नहीं है। कोई आकर्षण समाप्त, जो भी था समाप्त, अब बस समझौते, अब बस मजबूरी है। लेकिन विवाह उत्सव बना रहे, और 50 वर्ष के बाद भी धर्म पत्नी अपने, मैंने अभी 85 वर्ष की एक स्त्री को देखा, चेहरे पे शांति, अतीव शांति, ठहरा हुआ जीवन। मैंने पूछा कैसी हो, तो अपने पति की तरफ इशारा करके बोली, दीदी माँ इनके चरणों की शरण में जीवन आनंद से कट रहा है। सोचिए जरा, वहां हलचल नहीं थी, वहां बेचैनी नहीं थी, एक ठहराव था। जब आप समर्पित हो जाते हो तो आप में ठहराव आ जाता है। कोई शिष्य अगर गुरु को समर्पित हो गया, उसमें बेचैनी, व्याकुलता, विचलन नहीं होता। जिन चरणों का भरोसा है, वो चरणों की नौका, वो चरणों के प्रति निष्ठा नौका बन के भवसागर पार करा देगी। ये निष्ठा जब होती है ना, तो कोई बड़ा योग्य गुरु भी नहीं चाहिए होता, पाषाण की प्रतिमा भी कल्याण कर देती है। निष्ठा होनी चाहिए।